नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पत्रकारों के हाथ धुलवाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंतर्गत लद्दौर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे पत्रकारों का पहले स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों ने हाथ धुलवाया, हाथों पर सैनिटाइजर छिड़ककर उसके बाद डॉक्टर से मिलने दिया। पत्रकारों ने डॉक्टर से कोरोना वायरस के बारे में चर्चा की। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसी प्रकार से कोरोना वायरस से बचने के लिए तैयारी होनी चाहिए। देखिए हमीरपुर से रतनचंद की है रिपोर्ट। वैसे तो ठीक है, बट ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हमारी तरफ से कि हमारे सीएम को आना है ना। हम तो ऐसा जनरल बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा डॉक्टर विजेंद्र सिंह। कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहता था, जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखो सर, कोरोना के बारे में सबसे बड़ी तो प्रिकॉशन है, अगर आप बचाव करेंगे तभी आप बच सकते हैं कोरोना से। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जैसे कि WHO की जो गाइडलाइंस आए हैं उसी के तहत, जैसे कि 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करना और लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, और जैसे कि अभी भी हिमाचल सरकार द्वारा शटडाउन की घोषणा की गई है तो उसको पालन करें सर। और कोई अगर जरूरी हो तभी इंस्टीट्यूशन के विजिट करें या जनरल चेकअप अवॉइड करें। और अगर किसी को कोरोना से जो भी हमारे लक्षण है कि जैसे बुखार आता है या फिर खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, अगर कोई ऐसी समस्या आती है और जो फॉरेन हिस्ट्री है ट्रैवल की या अदर स्टेट से भी किसी की ट्रैवल की हिस्ट्री है, तब वो हमारे पास जांच करवाएं और हम उनको उसी तरह से अपने एम्बुलेंस में आगे रेफर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगली खबर यूपी के अमरोहा जिले से आ रही है। जनता कर्फ्यू के बाद थाली पीट कर लोगों ने किया स्वागत। यूपी के अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ओंगारपुर ग्राम सभा में जनता कर्फ्यू के बाद लोगों ने थाली और घंटा बजाकर कर्फ्यू को सफल बनाने वाले कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। देखें ओंगपुर से महिपाल सिंह की रिपोर्ट। आइए और हम बात करते हैं यहाँ पर गांव के कुछ जनता से और देखते हैं कि थाली यहाँ पर कैसे किस प्रकार बजवाई जा रही है। और हम बात करते हैं अब गांव के हरिराज जी से और पूछते हैं ये थाली कब से बजवाई जा रही है। आप बताइएगा ये थाली कब से बजवाई जा रही है। ये थाली 5 बजे से बजाई जा रही है और ये हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू बहुत अच्छी तरह से रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम। अगली खबर के लिए पंजाब प्रांत के लिए रुख करते हैं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जी हां, पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र में
कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए लगा कर्फ्यू से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा फैला हुआ है। देखें टांडा से जसवीर कौर की ये रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं फास्ट न्यूज़ से जसवीर कौर। और कर्फ्यू लगने के कोरोना वायरस के डर से जो कर्फ्यू लगा है, और हम खड़े हैं शारपुर रोड पे, और ये शारपुर को जाने वाली सड़क है और ये टांडे को जाने वाली सड़क है। और इस सड़क पर दूर दूर तक कोई भी कोई गाड़ी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई, क्योंकि मोदी जी का जो संविधान है उसको सारी दुनिया ने समझा और घरों से बाहर नहीं आए। और मैं फास्ट न्यूज़ से पत्रकार जसवीर कौर। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास एलकेजी टू टेंथ विलेज एंड पोस्ट पट्टा तहसील भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। और खबर लेते हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से। लोगों ने खुद को घरों में किया है कैद। जी हां, प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील पर जबरदस्त असर दिख रहा है। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। वो चौक जो आम दिनों गुलजार हुआ करता था, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जनपद के सभी कस्बों व बाजारों में जबरदस्त बंदी देखने को मिल रहा है। लोगों ने खुद को घरों में अपने आप को कैद कर लिया है। प्रधानमंत्री की अपील का हो रहा शत प्रतिशत पालन। सड़कों पर पुलिसकर्मी, नगर निगम के सफाई कर्मी या फिर मीडिया कर्मी ही नजर आ रहे हैं। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। घरों में रहेंगे तभी कोरोना से बचेंगे। जी हां, वाराणसी थाना फूलपुर के अंतर्गत पिंडरा के रो गांव में पिंडरा के सरकारी अस्पताल से पहुंचे डॉक्टर मौर्या रो गांव में पूरी टीम के साथ कोरोना का जांच करने पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि जब घरों में रहेंगे तभी कोरोना से बचेंगे। जांच के दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनीष पाठक और गांव के कुछ लोग मौजूद थे। थाना फूलपुर से सिकंदर की ये रिपोर्ट। ये कोरोना वायरस अभी तक जो जानकारी मिली उसे चाइना से फैला हुआ है और वहां से फैलते हुए वजह विभिन्न देशों में जा रहा है। दवाई मरा है कि नहीं? अभी इसका कोई दवा अभी तक नहीं बनी है, सिर्फ इसका बचाव ही उपचार है और कोई अभी तक नहीं। ये जो है अभी तक जो है कुल 17 कंट्रीज में हो चुका है। इसके अलावा अभी और जो है कंट्रीज में हर जगह जो है जितनी जगह भी ये फैल रहा है वहाँ पे हर जगह जांच पड़ताल होती रही है और हो रही है, अभी जारी भी रहेगी। ये मैं MIC प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा। डॉक्टर एस सी महोदय, मैं परशुराम गिरी सीनियर LT प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा। बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। और मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे जल्द ही कुछ खास खबरों से।